हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी एक फिलहाल में एक वीडियो यहाँ पर अपलोड की गई है। हाइकल लिमिटेड एक पर्टिकुलर शेयर है, 2 बार बोनस, सॉरी 3 बार बोनस दिया है यहाँ पर, मैंने 2 बार लिख दिया है, सॉरी 3 बार बोनस, एक बार स्प्लिट यहाँ पर दे चुका है। और अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक्स काफी वैल्यू बैंक मुझे नजर आती है, क्योंकि 40% डाउन है ये शेयर। तो यहाँ पर कल की डेट में ब्रेकआउट स्टॉक से रिलेटेड बातें करी गई थी, आज की डेट में भी एक आपके लिए शॉर्ट्स वीडियो बनाई जाएगी। तो इसके अलावा अगर बात करें, बहुत सारी वीडियोस यहाँ डेली बेसिस पे आती रहती है, तो हमारे चैनल को वीडियो मार्केट खत्म होने के बाद ही थोड़ी देर बाद यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है आपके लिए बनाना। तो आप मार्केट के बाद स्टे ट्यून रह करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, इसलिए शेयर करिए हमारी हर एक वीडियो को, लाइक करें, दूसरी वीडियोस को जाकर यहाँ पर देखिए। तो इसी तरीके से आज के दिन में बात करने वाले, जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया, कार ट्रेड और नज़ारा से रिलेटेड। तो दोनों में अगर हम देखें आज की डेट में, तो गिरावट होती हुई नजर आई है। तो क्या करना चाहिए, बेच देना चाहिए, क्या करना चाहिए एग्जैक्टली? क्योंकि काफी सारे कार ट्रेड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे थे, नज़ारे से रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो रहे थे, तो उससे रिलेटेड हम बातें कर रहे थे। बट बिफोर द वीडियो मैं आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल, जो आपका खुद का चैनल है इन्वेस्ट फॉरएवर, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, यहाँ पर वीडियो को जितना हो सके भेजे, सपोर्ट करें हमें जितना हो सके। और यहाँ पर अगर हमें पर्सनली आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड आपको लेना है, तो चार्जेबल सर्विस है, नीचे व्हाट्सएप पर लिंक है, पिंक कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर जवाब दे दिया जाएगा। बाकी अगर नॉर्मल कोई क्वेरी है आपकी, तो किसी भी वीडियो पे कमेंट करिए, वो हम तक पहुंचता है, तो उसके बाद आपको जवाब दे दिया जाता है। तो आइए वीडियो की तरफ। तो हम बात करेंगे कार ट्रेड से रिलेटेड। सबसे पहले कार ट्रेड की बात करें, तो आज के दिन में लगभग 3.13% की यहाँ पर गिरावट है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर बेस बन रहा था, उसी टाइम मैंने आपको बताया भी था, ओके, मैंने यहाँ पर भी बताया था आपको स्टॉक, उसके बाद यहाँ पर भी बताया था कि ये बेस बन चुका है, इस स्टॉक को यहाँ पर लीजिए, अच्छा खासा भाग भी चुका है, 200 रुपए के आसपास शेयर। और उसके बाद थोड़ी देर यहाँ पर अगर बात करें, कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, और कुछ क्वेरीज शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेके भी आ रही थी। तो सबसे पहले हम यहीं पर ही चलते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ चलते हैं, इसके फाइनेंशियल्स की तरफ चलते हैं। तो काफी बार इससे रिलेटेड वीडियो बनाई है हमने, और आपको बताया ही है कि ये बिजनेस करती ही है, तो उस वीडियो को जाके एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा कि काफी बेहतरीन कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, कोई प्लेजिंग नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी है, आरओसी आरओ यहाँ पर देखिए कम है, बट आगे चल के धीरे धीरे बढ़ेगी, कोई इशू नहीं है। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, एज वेल एज मैक्सिमम चार्ट पैटर्न। अभी ये शेयर आता हुआ दिखाई दिया था लास्ट ईयर, लास्ट क्वार्टर में, सॉरी लास्ट मंथ में। और उसके बाद अगर बात करें, लगभग 200 DMA के नीचे ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो 200 DMA के नीचे जब शेयर ट्रेड करता है ना, समझ लीजिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है शेयर को खरीदने के लिए। रिजल्ट अभी तो आए नहीं है, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट ही नहीं दे रखे, तो इस चीज को भी याद रखिएगा, बहुत जल्दी इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं, जो कि हम देख लेंगे। इसके अलावा अगर बात करें सेल्स की, तो ईयरली बेसिस पे सेल्स हमें नजर आ रही है, जो कि हमें हाईएस्ट एवर। अगर बात करें, कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है, पैंडमिक की वजह से यहाँ पर डाउन थी, बट जिस तरीके से अभी ऑटो की सेल्स बढ़ रही है, उस तरीके से अगर हम बात करें, ऑटो की सेल्स कम हुई है, बट अगर बात करें इन द सेंस शेयर धीरे धीरे यहाँ पर और भी ज्यादा एग्रेसिवली बाइंग होगी, धीरे धीरे सेमीकंडक्टर की वजह से यहाँ पर नहीं हो रही थी, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं उसी चीज की डिजिटल से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस कंपनी को फायदा होता है वो दिखाई देगा। नेट प्रॉफिट जो नेगेटिव में था, यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। रिजर्व्स की बात करें, अच्छा खासा यहाँ पर रिजर्व्स है कंपनी का, बोरिंग यहाँ पर 55 करोड़ रुपीज की है। यहाँ पर बात करें इन्वेस्टमेंट की, 645 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट, कैश की बात करें 24 करोड़ का कैश, जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है। आरओसी आरओई अभी कम है, बट नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गई है। अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। काफी लोग कह रहे हैं यहाँ पर प्रमोटर्स नहीं है, यहाँ पर सारे रिटेलर्स ने ले रखी है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक की बात करें, पब्लिक देखते ही साथ लोगों के मन में क्या आता है, लोगों के मन में आता है कि 75% रिटेलर के पास है, क्योंकि लोग उसे ओपन करके नहीं देखते। कुछ चीजें यहाँ पर देखिए, प्लस का साइन दे रखा है ना, यहाँ पर क्लिक करना होता है तब आपको समझ में आएगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो इसके प्रमोटर्स है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, ओके, एफआई इसके पास यहाँ पर 16% की हिस्सेदारी है, तो यहाँ पर एक तरीके से ये है। और अगर हम बात करें डीआईएस, डीआईएस में भी अगर हम देखें, तो आईआईएफएल ने लगभग 1.22% की हिस्सेदारी ले रखी है। पब्लिक की बात करें, तो पब्लिक देखिए, आईआईएफएल ने अगर मैं आपको दिखाऊं, तो कैम्प्स में भी इसी तरीके से इन्वेस्ट किया था, और यहाँ पर देखे उन्होंने 135 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए थे, फाइव नॉट रॉन्ग, मैं भूल गया हूँ। और उसके बाद उन्होंने $50 मिलियन में यहाँ पर कैम्प्स के स्टॉक्स बेचे थे, कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ था, यू कांट इवन इमेजिन। बट अगर बात करें यहाँ पर पब्लिक की, तो देखिए पब्लिक में लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर 75% की होल्डिंग पब्लिक के पास ही है, बट
यहाँ पर अगर आप ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा काउंट करके देखिए 75% में, तो देखिए ये 17% 17% तो कितना कितना हो गया, लगभग 35% ये हो गया, ओके 8% के आसपास ये हो गया, लगभग 43% 43 में से 3 यहाँ पर लगा दिया तो 46%, और ये 46 49 और ये 50 और 52% की हिस्सेदारी हो गई, और 75 में से 52 अगर हम निकाल देते हैं तो कितनी हिस्सेदारी रहती है, केवल 18% की हिस्सेदारी। तो 18% की हिस्सेदारी ही यहाँ पर किसके पास है, पब्लिक के पास है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। ये रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग नहीं है, क्या रिटेल इन्वेस्टर इतनी बड़ी होल्डिंग रखेगा, प्रमोटर्स यही हो गए जिनके पास सबसे ज्यादा हिस्सेदारी, वो प्रमोटर्स क्योंकि उसी के पास सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी फिर सॉरी हक यहाँ पर रहेगा। तो इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है। और यहाँ पर अगर बात करें ये जो वन जिन्होंने 1% से ज्यादा की या 1% की हिस्सेदारी ले रखी है ना, वो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, वो भी क्या कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं है, वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में अकाउंट होते हैं। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और जिनके पास 1% से कम की हिस्सेदारी है वो एक बार रिटेल इन्वेस्टर्स में आ जाते हैं। कभी आपने आईपीओ अप्लाई किया होगा तो आईपीओ में क्या लिखा रहता है कि आप 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करेंगे तो आप रिटेलर्स की कैटेगरी में, 2 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो आप नॉन इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में आते हैं। तो उस चीज को आपका यहां समझना होगा। तो यहां पर अच्छी खासी होल्डिंग है, 18% की होल्डिंग ही यहां पर नजर आ रही है। तो 18 में भी बड़े बड़े लोग होंगे रिटेलर्स के पास, मुश्किल से 2-4% की हिस्सेदारी रहेगी। तो इस चीज को समझने की आपको क्या है जरूरत। तो यहाँ पर अगर हम कार ट्रेड की बात करें तो आज की डेट में भी देखिए यहाँ पर लगभग 64% की डिलीवरीज, और यहाँ पर देखिए 92,000 शेयर्स की यहाँ पर डिलीवरी हुई है, सॉरी ट्रेड हुआ है, और उसमें से भी 60,000 यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे ले गए। तो लोग अपने शेयर नहीं बेचना चाहते, इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो इसे नेगेटिव वे में नहीं पॉजिटिव वे में लेना है, और नीचे गिरावट हो रही है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर हम यहाँ पर देखें नीचे का सपोर्ट लेवल, अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ नीचे का अभी तक बेहतरीन सपोर्ट लेवल यही बना हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक जाना बहुत मुश्किल बात है। अभी तो मार्केट में आज थोड़ी सी गिरावट थी, इस वजह से शेयर यहाँ पर नीचे आते हुए दिखाई दिए बहुत सारे। और नीचे अगर बात करें तो ये जो पाइवेट्स पॉइंट्स बने हुए हैं ना, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो यहाँ पर एक एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है आप समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते नहीं है, तो इसके रिलेटेड बात करना अभी अब बेकार होगा। थोड़ा सा वेट करिए, ये शेयर जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ये शेयर रॉकेट बनेगा, फिर ये 1-2% नहीं भागेगा, फिर ये 5-5, 7-7, 10-10% भागेगा। तो इस शेयर की तरफ नजरें बनाइएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे एक और बेहतरीन स्टॉक जो हमने आपको 1500 पे बताया था, उसके बाद पैसा है हमारा डबल से ज्यादा होता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर अगर देखें मार्केट कैप 9,752 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, ओके स्मॉल कैप कंपनी है, अभी भी आरओसी आरओई अगेन यहाँ पर कमी है, डेट की बात करें 0 है, प्राइसिंग की बात करें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ये न्यू स्टॉक्स आए हैं ना उन्हें कम से कम 6-8 महीने यहाँ पर देने पड़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट समझ में आता है। गेमिंग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड ये शेयर है, और यहाँ पर आपको यहाँ पर पकड़ के दिया था, इससे पहले यहाँ पर पकड़ के दिया था, और यहाँ पर से अगर रैली देखे तो आपको पैसे डबल से ज्यादा। डेट फ्री शेयर है ये भी, अच्छा खासे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखाई देते हैं पॉजिटिव, ईयरली बेसिस पे कंपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई देती है, नेगेटिव से प्रॉफिट में कंपनी आई है। बट देखिए इसी तरीके का कार ट्रेड भी था, कार ट्रेड भी इसी तरीके से था, और नजारा की तरह कार ट्रेड भी भागता हुआ दिखाई देगा। तो रिजर्व की बात करें, रिजर्व अच्छे खासे है, बोरिंग यहाँ पर ना के बराबर है, इन्वेस्टमेंट कैश सब कुछ यहाँ पर नजर आता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छी खासी है, 20% 8% FIIs ने यहाँ पर देखिए हिस्सेदारी बढ़ाई है, DIIs की बात करें ये हिस्सेदारी बढ़ाई है, पब्लिक की बात करें पब्लिक की हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। 66 में भी बात करें राकेश झुंझुनवाला के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, ओके यहाँ पर इसे एक बार ओपन हो दीजिए तो आपको समझ में आएगा। तो 66% की होल्डिंग पब्लिक के पास नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नहीं है, बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर हिस्सेदारी ले रखी है, तो इस चीज को समझिए। और इससे ज्यादा शेयर होल्डिंग पैटर्न किसका अच्छा था, ये था यहाँ पर बात करें कार ट्रेड का, तो थोड़ा समझने की जरूरत है। नजारा की अगर मैं आपको बताऊं तो नजारा ट्रेड टू ट्रेड में आ गया, इसने यहाँ पर आज लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है, 5% का यहाँ पर लोअर सर्किट है, और ये ट्रेड टू ट्रेड का मतलब क्या है कि आप अगर आज अभी ट्रेड टू ट्रेड में नहीं था तो ये शेयर यहाँ पर भागता हुआ नजर आता है, जैसे ही ट्रेड टू ट्रेड में आया, और आई थिंक ये आगे चल के शायद ASM की लिस्ट में भी आ जाता अगर इस तरीके से भाग रहा है, बट ASM की लिस्ट में आई थिंक है नहीं अभी तक ये। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है, और अच्छा है इसमें लोअर सर्किट लग रहा है क्योंकि एक बार इसके रिजल्ट आएंगे ना उसके बाद अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दोबारा बनती हुई नजर आएगी। ये शेयर 4,000 रुपीज तक जाएगा,
बट 4000 एक अच्छी खासी रैली इसने दिखा दी है, पैसा आपका डबल कर दिया है। अब इसे लगभग लगभग 20-30% 40% गिरने दीजिए। ओके, इसे इसके पाइवट्स पॉइंट्स यहाँ पर नजर आते हैं। ओके, यहाँ पर 2300-2400 के लेवल पर एक बार यहाँ पर आने दीजिए शेयर को, फिर उसके बाद इसमें बाइंग करना शुरू करिएगा। थोड़ा सा वेट करिएगा, ये अच्छा खासा शेयर आपको भागता हुआ दिखाई देगा। ट्रेड टू ट्रेड में आ गया। ट्रेड टू ट्रेड का मतलब होता है कि आज आपने शेयर खरीदा तो दो दिन बाद ही जब ये आपके अकाउंट में आ जाएगा, सेटल हो जाएगा, तब उसके बाद आप बेच पाएंगे। अगर आपने शेयर खरीदा आज की डेट में, अगर सोच रहे हो आज ही बेच दूंगा, तो वो आज नहीं बेच पाएंगे, उस चीज को थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो इसलिए ये आज की डेट में गिरता हुआ नजर आया। और थोड़ा सा मैं तो इसमें इन्वेस्ट, एक बार रिजल्ट आ जाएगा दोबारा, तब इन्वेस्ट करूंगा दोबारा। पहले हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था तो हमने अच्छे खासे प्रॉफिट में यहाँ पर 60-70% के प्रॉफिट में यहाँ पर बेच दिया था। इसके अलावा यहाँ पर अब दोबारा गिरेगा, उसके बाद लंबे टाइम के रिजल्ट देखने के बाद वेट करेंगे, खरीदेंगे, और फिर उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पर हमें प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये शेयर फिर और भागता हुआ नजर आएगा अगर इसके रिजल्ट अच्छे हुए। नहीं हुए तो और नीचे गिरेगा, और नीचे गिरेगा। एट दैट टाइम वी विल थिंक टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स। आज की डेट की बात करें तो यहाँ पर लोअर सर्किट लग गया है, देखिए, इसलिए यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा है इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर कुछ चीज की बात करें, फंड रेज यहाँ पर 6 अक्टूबर, फाइनेंशियल रिजल्ट अभी आए नहीं है। ओके, इससे रिलेटेड यहाँ पर डेट आई नहीं है, एक बार डेट आ जाएगी तो और भी हमारे क्लियर होता हुआ नजर आ जाएगा। तो आपको ये दो स्टॉक्स से नजारा, और कार ट्रेड इससे रिलेटेड बताना था कि ये ट्रेड टू ट्रेड में आ गया है। कार ट्रेड की बात करें तो ये गिरता हुआ नजर आ रहा है, ये शेयर मुझे नजर आता है बुलिश, बुलिश हूं मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में। यहाँ पर से मुझे डबल होता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 3000 रुपीज तक का मेरा टारगेट है, जो कि यहाँ पर 6 महीने तक यहाँ पर अचीव हो जाना चाहिए एटलीस्ट। और थोड़ा बहुत गिरता है तो आई विल बाई और मोर स्टॉक इन दर पर्टिकुलर स्टॉक्स। तो अगर बात करें, आपको कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करनी है, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना है, हमारी सर्विस लेनी है, व्हाट्सएप का नंबर है डिस्क्रिप्शन में, हम एक पिंग कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ऑलरेडी वीडियो आती रहती है, देखिए, लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और सारी वीडियो को शेयर करें सबके साथ। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।